नमस्कार, अखबार जगत में आपका स्वागत है। रजिस्टर कार्यालय में इन दिनों संपत्ति कर का पंजीयन कराने वालों की भीड़ नजर आने लगी है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण और लंबे समय तक जारी लॉकडाउन की वजह से संपत्ति कर का पंजीयन भी रोका गया था, मगर अब रजिस्ट्रार कार्यालय में आम दिनों की बजाय लोग संपत्ति कर का पंजीयन कराने पहुंच रहे हैं। मोती तबेला और एरोड्रम के रजिस्ट्रार कार्यालय में एक एक कर सब रजिस्ट्रार को 20-20 प्लॉट आवंटन किए गए हैं। वहीं बालकृष्ण मोरे ने बताया कि लगभग 25,000 दस्तावेजों का पंजीकरण, इसी के साथ 300 करोड़ रुपये की इनकम हो चुकी है। सुबह 10:30 बजे से शाम को 5:30 बजे तक काउंटर खुले रहते हैं। लॉकडाउन के बाद करीब 20 मई से हमारे यहाँ दस्तावेजों का पंजीयन का कार्य प्रारंभ हुआ है। वो करीब 3.5 महीने से हम पंजीयन कार्य संपादित कर रहे हैं। इस अवधि में करीब 25,000 के लगभग दस्तावेजों का पंजीयन हो चुका है। प्रशासन को करीब 300 करोड़ रुपए तक की इनकम प्राप्त हुई है। वर्तमान में 10:30 बजे से कार्यालय प्रारंभ होती है, 5:30 बजे तक कार्य चलता है। सभी